रात के 8 बजे आ चुका हूँ टर्मिनल 2 पे चेन्नई के। पासपोर्ट हाथ में है, टिकट भी निकाल लेना। अब यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, जो प्रोसेस है डिटेल में आपको समझाऊंगा। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पे मनी एक्सचेंज वगैरह का काउंटर भी है। सिंगापुर अगर आपको जा रहे हो तो सिंगापुर डॉलर आपको कैरी करना पड़ेगा, भाई इंडियन रुपीज़ तो वहाँ चलते नहीं है। कि सिंगापुर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो सिंगापुर एंट्री का कार्ड बनता है ना मोहित भाई, एसजी अराइवल कार्ड उसको बोलते हैं। 3 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना है शायद, मतलब 3 दिन पहले करना है। आप चाहे तो जिस दिन आपका जर्नी है उस दिन भी कर सकते हो। जिसमें अपने सफर को भारत से सिंगापुर तक तय करके मैं यहाँ पहुँच चुका था। काफ़ी आधुनिक शहर है ये और यहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए जल्द ही आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन वैसे आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा बैंगलोर से पूरा सिंगापुर का सफ़र, जहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ आने से पहले और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सभी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। बैंगलोर से चेन्नई तक हम लोग ट्रेन से आए हैं, उसके बाद चेन्नई से हमने फ्लाइट ली है। ऐसा क्यों है ये सब चीज़ें आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई जर्नी में, जो कि आज खत्म होने वाली है। इंटरनेशनल टूर के साथ हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं और मैंने अपनी फ़्लाइट को चेन्नई से बुक किया है, क्योंकि बैंगलोर से वही चीज़ काफ़ी कॉस्टली पड़ रही थी। चेन्नई से सिंगापुर एयरलाइंस बुक किए, काफ़ी सही रेट में मिल गई, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ संघमित्रा एक्सप्रेस, जो कि बैंगलोर से दानापुर के बीच में चलती है। मैंने सोचा भाई चाहे इंटरनेशनल चाहे कुछ, लेकिन शुरुआत जब तक भारतीय रेलवे से नहीं होती ना, दिल को सुकून नहीं मिलता है। इसीलिए भारतीय रेलवे के साथ एक और छोटा सा सफ़र है। बाकी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि अगर आप लोग सिंगापुर वगैरह जा रहे हो, फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इंडिया से निकलने के टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए और वहाँ पहुँचने के टाइम क्या क्या चीज़ें चाहिए। बाकी आप लोगों को बता दूँ, SMVT स्टेशन में हूँ, सरम विश्वेश्वरैया टर्मिनल रेलवे स्टेशन। बहुत ही कमाल का स्टेशन बनाया गया, एक बार आप देखो। आधुनिक सुविधाओं के साथ ये रेलवे स्टेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। आज वंदे भारत का उद्घाटन चल रहा है, जो कि चेन्नई से मैसूरु के लिए चलाई जाएगी, लेकिन आज के दिन ये चेन्नई से यहाँ तक चल रही है, तो उसके लिए भी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो ऑक्यूपाइड है। वहाँ पे सभी तरह के कार्यक्रम वगैरह चल रहे हैं। आपको मैं मोहित भाई से भी मिलाऊंगा, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें उनकी वजह से पॉसिबल हो पाई है। जय श्री गणेश, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, शुभारंभ हमारी यात्रा का हो चुका है और यहाँ पे वंदे भारत के उद्घाटन की तैयारी देख लो और रेलवे स्टेशन देख लो, क्या कमाल का बनाया है भारतीय रेलवे ने। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड प्लान कर रहे हो ना, तो आपको वीगो ऐप के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड करेंसीज में अवेलेबल है। ये आपको फ्लाइट्स एंड होटल्स के लिए 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स कंपेयर करके बेस्ट एंड चीपेस्ट डील लेकर के आता है। कभी अगर आप लोग यहाँ पे इंटरनेशनल जा रहे हो ना, सर्च करना, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जिस भी फ्लाइट में जाना है, आपको पहले तो उसका चीपेस्ट रेट मिल जाएगा। जैसे मैं सिंगापुर एयरलाइन को प्रेफर कर रहा हूँ, तो उसका ऑप्शन मिल जाएगा। साथ साथ जैसे आप फ्लाइट पर क्लिक करोगे, नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, मेक माई ट्रिप, क्लियर माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप, जो भी ऐसे ऑप्शंस है ना, इनफैक्ट जो वेबसाइट होती है इंडिगो, एयर इंडिया, सबकी जो वेबसाइट है, उनके भी ऑप्शन मिलेंगे। जहाँ से आपको सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है ना, आप बड़ी आसानी से वहाँ से बुक कर सकते हो। और होटल्स की बात की जाए ना, तो होटल्स में जैसे मैंने सिंगापुर में होटल बुक किया, तो वो भी वीगो के थ्रू ही बुक किया था। होटल्स के आपको वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, अपने पसंदीदा होटल को चूज़ करो, उसका जो चीपेस्ट रेट है जिस वेबसाइट पे अवेलेबल है, चाहे वो booking.com हो, इज़ माई ट्रिप हो, कोई भी वेबसाइट हो, इवन मेक माई ट्रिप, उसका भी ऑप्शन आपको वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे बुक कर सकते हो। अब यहाँ पे Airbnb की बुकिंग वगैरह भी आ चुकी है। देखिए यहाँ पे वंदे भारत क्रॉस हो रही है, जो कि चेन्नई से मैसूर के लिए जा रही है। चलिए बाकी मैं आप लोग को बता दूं कि जो नया वीगो ऐप है ना, उसमें भी बहुत सारे नए फीचर हैं। जैसे कि आप यहाँ से IRCTC की ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, हम बैठे ही हैं, इवेंट वगैरह की बुकिंग कर सकते हो, और वीज़ा का एप्लीकेशन भी वीगो ने आप लोग के लिए बहुत ही क्विक एंड सिंपल बना दिया है। प्रोसेस काफ़ी फास्ट है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ वीगो ऐप का, जब भी ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हो ना, जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आने वाला है। भारतीय रेलवे में यात्रा करने का तो मज़ा ही कुछ और है, लेकिन इस बार कुछ नया करने की चाह थी और इन रूट्स को रिपीट ना करूं, इसके लिए एक ऐसे सफ़र में निकल पड़ा जो कभी भी रिपीट नहीं हुआ है। सिंगापुर में आज तक कभी गया नहीं था, काफ़ी इच्छा थी कि इंटरनेशनल ट्रिप की शुरुआत में वहीं से करूँ और आज वो पूरा होने वाला है। इसके लिए मन में काफ़ी एक्साइटमेंट और सुकून, दोनों ही चीज़ें एक साथ थी।
तो भाई सिंगापुर में अकेले नहीं जा रहा हूँ, मोहित भाई के साथ जा रहा हूँ, हमारे इंटरनेशनल ब्लॉगर हैं मोहित भाई, तो मतलब 12 कंट्रीज का चैलेंज लेकर के बैठे हैं, 12 कंट्री कवर करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो दोनों भाई लोगों का इच्छा था कि सिंगापुर एयरलाइंस ही जाएंगे हाँ। वैसे काफी सारा सस्ता ऑप्शन भी है हमारे तरह, मतलब एक ब्लॉगर का होता है ना कि एक फ्लाइट भी कवर करना है, इच्छा आप चाहो तो सस्ते में भी बहुत सारा थाई का था ना, थाई एयरवेज का, एयर एशिया, थाई एयरवेज, एयर इंडिया, ये सब आपको 7,500-8,000 में मिल जाएंगे। चेन्नई से त्रिवेंद्रम से सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको। और हाँ, बैगेज का ध्यान रखना, एयर इंडिया में तो 25 kg मिलेगा, लेकिन बाकी आपको किराया भले ही कम दिखाएगा लेकिन उसमें बैगेज काउंट नहीं होता ना, बैगेज काउंट नहीं होता, तो वो एकदम ध्यान से देखना। काफी लोगों के साथ इसमें स्कैम हो जाता है। और एयरपोर्ट में जो आपको रेट मिलेगा ना, 1-1 kg का, वो लूट जाओगे, 1500 per kg ऐसे मिलेगा भाई। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, जब भी आप बुक कर रहे हो ना तो बैगेज वगैरह चेक कर लेना। चलिए, अभी खाना जोला पेट पे तो नहीं मिला, लेकिन आपको काठपाड़ी में कुछ ना कुछ खा पी के दिखाते हैं। बाकी जर्नी ऐसे ही मोहित भाई के साथ चलती रहेगी। अभी बाकी काठपाड़ी में हम लोगों ने बिरयानी ले लिए और समोसे तो ट्रेन के, काफ़ी ज़बरदस्त लगा। मोहित भाई जानते हैं कैसे लगे, बहुत बढ़िया लगा, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। और वो होता है ना हमारे घरों में, जब दोपहर के टाइम में राइस कभी कभी ज़्यादा बच जाता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, शाम के टाइम ना उसको फ्राई करके दे देती है। एग्जैक्टली वही टेस्ट है और उससे अच्छा ही लग रहा है, मैं अब तो बोलूँगा। तो जब भी इस रूट में आ रहे हो तो वेज या फिर नॉन वेज वाला आपके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 80 रुपये का है ना ये, शायद 80 या 100 रुपये का शायद है, तो आप ट्राई ज़रूर करना। हमी यही है कि जब आप ट्रैवल करो तो आपकी जो जर्नी है उसे और सुविधाजनक बनाना, तो खाने पीने के लिए ये चीज़ बिल्कुल रिकमेंडेड है, क्योंकि पहली चीज़ तो फ्रेश है, साफ़ सुथरी है और स्वाद ऐसा है कि मतलब आपको रिग्रेट ज़रा भी नहीं होगा कि आपने ट्रेन में कुछ खरीदा है। बहुत बढ़िया, चलिए इसे फिनिश करते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोपहर के 3 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन जाके पहुँची है चेन्नई। अब हमारी जो फ्लाइट है 11:00 PM, तो मोहित भाई टाइम कैसे काटा जाएगा अभी? अभी टाइम भाई, पहले तो अगर चेन्नई में है तो इडली डोसा यार पेट में जाना चाहिए, और फिर रात में फ्लाइट है तो देखते हैं एयरपोर्ट वगैरह में जो सर्विसेज है वो आपको दिखाएंगे, कितना घंटे पहले आपको पहुँचना चाहिए ये सभी चीज़ें चेक करेंगे। बाकी गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और भीड़ इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा चढ़ी है भाई चेन्नई से। रात के 8 बजे आ चुका हूँ Terminal 2 पे चेन्नई के, पासपोर्ट हाथ में है, टिकट भी निकाल लेना, अब यहीं से चीज़ें शुरू होती हैं, जो प्रोसेस है डिटेल में आपको समझाऊंगा। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे मनी एक्सचेंज वगैरह का काउंटर भी है, सिंगापुर अगर आपको जा रहे हो तो सिंगापुर डॉलर आपको कैरी करना पड़ेगा भाई, इंडियन रुपीज़ तो वहाँ चलते नहीं है, तो मनी एक्सचेंज का काउंटर आपको बाहर ही मिल जाएगा, मीट एंड ग्रीट सर्विस भी है। अब अंदर चलते हैं, देखते हैं बाकी की प्रोसेस कैसी है। भाई साहब क्या एयरपोर्ट लग रहा है, और अंदर आते ही चेन्नई की गर्मी से राहत। एयरपोर्ट है भाई, तो अच्छा Terminal 2 न्यू बनाया ना, उधर एथिनार्ड है और साथ में बहुत अच्छा बंगोली बनाया हुआ है, बहुत अच्छा। हाँ, बाकी यहाँ पे देख लो बी काउंटर पे ही है अपना सिंगापुर एयरलाइंस, चलते हैं अंदर, लगेज ड्रॉप किया जाए, इकोनॉमी के लिए इधर जाना पड़ेगा अपने को। किन काउंटर में ही मोहित भाई का वीज़ा से लेकर सब कुछ डिटेल यहीं पे चेक हो गया, के क्लास के बारे में कुछ नया जानने को मिला आज। चेक इन का प्रोसेस वो हमने कंप्लीट कर लिया, हमारा सिंगापुर एयरलाइन के क्लास में इसलिए वो अपग्रेड नहीं हो पाया बिजनेस में, मैं गया था ट्राई करने के लिए पर हुआ नहीं, तो ये चीज़ नई थी मेरे लिए। बाकी आपको बताऊँ, यहाँ पे जब आप आते हो ना काउंटर में तो आपको सिंगापुर पहुँचने का टिकट और वहाँ पे किस होटल में रुक रहे हो, वहाँ से एग्जिट आप फ्लाइट या बस कैसे भी कर रहे हो, वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे डिटेल देनी पड़ेंगी, टिकट वगैरह भी देना पड़ेगा। और सेम चीज़ आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो सेम चीज़ें आपको वहाँ भी देनी है, तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेशन कि आप उसका प्रिंट वगैरह निकाल के ले आना, तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी होगी, उसे पहले से अरेंज करके लाना, तो बार बार आपको फ़ोन खोल के एक एक चीज़ दिखाना वो वाला जो हेडेक है वो आपका कम हो जाएगा। अभी चलते हैं सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, इमिग्रेशन की ओर बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कितना टाइम लगने वाला है। बाकी यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट है वो देख लो आप लोग, और साथ में
चेक इन हमारा हो चुका है, टिकट हमें रेज हो चुका है अभी। आज मैंने एक और इंटरव्यू क्लियर किया है भाई, सारे चीज़ पूछा गया मेरे से। क्या क्या पूछा गया आपसे? मेरे से पूछा गया मतलब क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कैसे निकलोगे। फिर मेरे से पूछा दीक्षित हो तो महाराष्ट्र के दीक्षित हो, बंगाल में पैदा हुए। मैं कहा नहीं सर, पैदा बंगाल में हुआ हूँ, अभी फिलहाल बैंगलोर में। दीक्षित मैं महाराष्ट्र के नहीं यूपी का हूँ। अच्छा क्या करते हो? तो बताया प्रोफेशनल यूट्यूबर हूँ। अरे वाह अच्छा है। फिर मेरे यूट्यूब के बारे में पूछने लगे, सब कुछ पूछा। कुल मिला के कुछ ऐसी कहानी थी। और एक इंटरव्यू मैंने दिया अभी कुछ 2016 में लास्ट इंटरव्यू दिया था कंपनी के लिए, एचपी के लिए, आज अगला दिया है। और हमारा तो आपने देखा ही कुछ हुआ ही नहीं, वो बस आपके में और बहुत सारा स्टैंप लगा हुआ था ना। ये खिलाड़ी है, वो ऐसे टप 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 मारे, इनको देखे समझ गए खिलाड़ी है, पुराना खिलाड़ी है ये, नया इसको पकड़ो। नहीं वो बस कंफर्म करते हैं। अच्छा नहीं, नहीं जरूरी बैठ करना, अच्छे से बताते हैं। हाँ, चलो चलते हैं अभी, और भी बहुत कुछ बाकी है अभी, सिक्योरिटी चेक मेन चीज। तो भाई चलो, यहाँ पे हम लोग अपना सब इमिग्रेशन क्लियर करके आ चुके हैं। शॉप्स वगैरह बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको कोई भी टैक्स वगैरह पे करने की जरूरत नहीं। ऑफिशियली अब हम लोग इंडिया से बाहर हो चुके हैं, मतलब ऑन रिकॉर्ड्स। तो आप देख लो बहुत सारे चॉकलेट है, नो शुगर, रॉ शुगर, ये देख लो आप लोग ड्रिंक करते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो रेट का, यहाँ पे क्या रेट है कमेंट सेक्शन में लिख करके आप लोग बताना, क्योंकि मोहित भाई बता रहे थे लोग ये प्रेफर करते हैं यहाँ पे आते हैं। तो ये देख लो रेट्स का डिफरेंट यहाँ पे कुछ ऐसा है। आने से पहले आपको कुछ खाना पीना खाना है तो बरिस्ता भी है यहाँ पे, और आगे क्राफ्ट बाज़ार वगैरह पूरा, मतलब मॉल ही है एक तरीके से शॉपिंग, जहाँ पे आप इंडियन आइटम थोड़े अच्छे ज़्यादा रेट में खरीद सकते हो, रेट में खरीद सकते हो ड्यूटी फ्री के नाम। हाँ कॉस्ट अच्छा खासा था, लेकिन हाँ फिर भी एयरपोर्ट के हिसाब से तो कम ही है, जैसे डोमेस्टिक में रेट रहता है उससे तो कम था, उससे तो बहुत कम। छोटा छोटा वाला चॉकलेट 500 का होता है, यहाँ बड़ा वाला सर 550 का था, थोड़ा दुख कम हुआ। आते वक्त देखना, आते वक्त चांगी से कुछ लेकर आना घर के लिए आप लोगों के लिए, एक सब्सक्राइबर के लिए क्या कुछ एक लेके आके एक गिफ्ट करे क्या, ये गिव अवे करते हैं क्यों मोहित भाई? एकदम चलो कुछ प्लान करते हैं ऐसे हम लोग। स्पेशल चीज़ आप लोग के लिए बता दूँ, रात के समय हो या दिन में हो आपको भूख तो लगेगी ना, तो शुरू की जो गेट्स है ना 10 वगैरह, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें नहीं है। खाने पीने की चीज़ों के लिए आपको थोड़ा आगे आना पड़ेगा, यहाँ पे KFC है, आनंद भवन है, बहुत सारी चीज़ें, ये डायरेक्शन याद रख लो। फूड कोर्ट एक अलग से आपके लिए बना हुआ है। लास्ट टाइम मोहित भाई आए तो बताते ये सब चीज़ें नहीं बनी नहीं, थी टर्मिनल 2 में ना, अभी ये सब रिक्लाइनर भी है, ये भी बता देना। अरे हाँ, सोने के लिए भी यहाँ पे है रिक्लाइनर वगैरह, तो अगर आप जल्दी भी आ रहे हो तो हम इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हो। हमारा काम है आपको ये सब चीज़ें घूम घूम के दिखाना, ताकि कभी आप आ रहे हो फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो। KFC है, आनंद भवन है, और मसाला किचन भी है, और खाने पीने के लिए स्पेस बहुत कम दिया है। देखो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ खास किया नहीं है, खड़े होके कैसे खाएंगे सब। डोसा वगैरह का रेट आप यहाँ पे देख लो, उत्तपम का, सभी चीज़ों का, और साथ में यहाँ पे बाकी चीज़ों का भी आप देख लो, दही पापड़ी चाट वगैरह जो समोसे वगैरह सबका रेट आप यहाँ पे देख लो आप एक बार। ये कुछ रेट आपको एयरपोर्ट में पे करने पड़ेंगे। 60 रुपीज़ की टी एंड 190 की कॉफ़ी भाई, तो कुछ ऐसे रेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपका मन हो खाने पीने का तो आप ले सकते हो, और बाकी यहाँ पे 500-500 का कॉम्बो भी है। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे नाम होगा मसाला किचन। यहाँ पे आपके लेटने की व्यवस्था भी, अगर आप आ रहे हो चेन्नई एयरपोर्ट, थोड़ा जल्दी भी आ जाते हो तो रेस्ट आप कर सकते हो। बाकी खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी हम लोगों ने, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। खाने की तारीफ़ हम लोग कब से कर रहे थे, और यहाँ पे मोहित भाई लेके आए हैं मसाला डोसा, ये मसाला उत्तपम। अच्छा मसाला उत्तपम है, और ये कितने का पड़ा मोहित भाई? मैं उत्तपम लिया ये सर 350 का कॉफ़ी, हाँ, और ये कॉफ़ी दोनों का मिलाकर 506 रुपये। 506 रुपये मतलब इतना आपको मिलेगा, और ये मोहित भाई के लिए अच्छा कैसा है टेस्ट भाभी उसका? KFC में मोहित भाई ने रिकमेंड किया था ये पॉपकॉर्न, बढ़िया लगता है। आप अगर आ रहे हो कुछ लाइट खाने का मैंने ये ले सकते हो। बाकी अपना सिंगापुर एयरलाइन में भी हम लोग का खाना वगैरह जो है ऑलरेडी बुक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं खा रहे, 3 लोग हैं, थोड़ा थोड़ा एक दो बाइट मारेंगे, टेस्ट करेंगे आपको रिव्यू के लिए, ये चीज़ें थी। बाकी यहाँ तक का जो प्रोसेस था मैं सीरियसली बता रहा हूँ, हम लोग सोच रहे थे पहले कि 4 घंटे पहले आना चाहिए 11 बजे फ्लाइट के लिए, 7 बजे आते तो बहुत समय बर्बाद होता ना, तो 8 बजे आप समझ लो 3 घंटे पहले आप आ जाओ, आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। और जो प्रोसेस है वो तो आपने देखा ही मेरे साथ, कि कैसे हम लोग एंट्री पर जब अपना बोर्डिंग पास लेने गए तो डॉक्यूमेंट चेक हुए, उसके बाद इमिग्रेशन में मैं गया था, बहुत सारे सवाल जवाब हुए, वो भी आप जानते ही हो, साथ ही साथ सिक्योरिटी चेक में थोड़ा बहुत टाइम लगा, वो चीज़ मैं मानता हूँ वो ज़रूरी भी है। और उसके बाद जब हम लोग नीचे आए तो ये कुछ सुविधाएं यहाँ पे देखने को मिली है, कि सिंगापुर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो सिंगापुर एंट्री का कार्ड बनता है ना मोहित भाई, SG अराइवल कार्ड उसको बोलते हैं, 3 दिन पहले ही आपको अप्लाई करना है शायद, मतलब 3 दिन पहले करना है। आप चाहे तो जिस दिन आपका जर्नी है उस दिन भी कर सकते हो, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा, लाइक आपका नाम, पासपोर्ट नंबर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कैसे आप जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कौन सा फ्लाइट नंबर है, पासपोर्ट का डिटेल, सब कुछ लगेगा भाई उसमें, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और
होटल वगैरह पूरा डिटेल, मतलब आपका पूरा कुंडली निकाल के लोग रख लेंगे, बाद में देखेंगे लड़की कौन है वो बाद में होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और स्पेशल कुछ नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, आप सही चीज़ कर रहे हो, क्यों डरोगे। इमिग्रेशन में हमने देखा बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे थे वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके, ये वो सब कुछ मत करो यार, जो जेन्यून रीज़न है जिसलिए जा रहे हो बताओ, जो आपका स्टे वगैरह सब कुछ बताओ यार, वो लोग बैठे ही आपको भेजने के लिए, वो आपकी सुविधा के लिए बैठे हैं, कोई आपको रोकने के लिए नहीं बैठा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। बाकी इसे सब फिनिश करते हैं, अब आपसे सीधा बोर्डिंग के टाइम पर मिलेंगे। 15 अपना डिपार्चर है, तो देख लो अभी यहाँ पे बोर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। हमारी आज की सवारी सिंगापुर एयरलाइन A350, ये होने वाला आज का अपना एयरक्राफ्ट A350, वो भी सिंगापुर एयरलाइंस का। मैं जो है ना सिंगापुर एयरलाइंस को बोर्ड करने की यहाँ पे भर्ती चली जा रही है यार, बगल में है A350, मतलब ड्रीम फ्लाइट होता है ना इंटरनेशनल में, एमिरेट्स में और सिंगापुर एयरलाइंस में ट्रैवल करना है, तो पहली चीज़ तो पूरी हो रही है आज लाइफ की। तो भाई ये है A350, आप लोगों ने इंडिया में तो ट्रैवल किया है मेरे साथ इसमें, और अब बारी है फॉरेन इंटरनेशनल ट्राई करने की। तो ये है इसका इकोनॉमी क्लास, थैंक यू मैम। वॉशरूम में भी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ आपके लिए, टूथब्रश वगैरह दिया हुआ है जिसको यूज़ करना है, बाकी यहाँ पे हैंड लोशन वगैरह है, हैंड वॉश है, सोप है, यहाँ पे कप्स वगैरह हैं, अगर आपको पानी वगैरह कुछ किसी चीज़ के लिए यूज़ करना है तो, बाकी एकदम नीट एंड क्लीन है यार, टोटली वर्थ इट एक्सपीरियंस। ऐसा इंटीरियर आपको मिलेगा, ये लाइट वगैरह के लिए है प्रॉपर यहाँ पे, और एक टच डिस्प्ले भी है जहाँ पे आपको सभी डिटेल्स मिल जाती है यहाँ पे। और चार्जिंग वगैरह की बात की जाए तो USB चार्जिंग अवेलेबल, आप देख लो, हेडफोन जैक वगैरह है, बाकी अटेंडर कॉलिंग से लेकर सभी चीज़ें यहाँ पे आपको कंट्रोल मिलता है। और ये शायद बॉटल या हाँ ये कप होल्डर है आपके लिए, तो आप यहाँ पे कोई चीज़ रख सकते हो, मेरा खाना वगैरह खाने के लिए टेबल जो कि फोल्डेबल है, लेग स्पेस भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा लेग स्पेस है, मतलब मेरे जैसे छोटू आदमी के लिए तो परफेक्ट है। बाकी यहाँ पे ऐड चल रहा है अभी, इसके बाद आपको बाकी फीचर भी दिखाते हैं, और एक विंडो भी अपने को मिली हुई है जिसका भी यूज़ हो जाएगा। जो एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट का एक नेक्स्ट लेवल का है, मतलब ये बोइंग 787 है, मतलब मैं यहाँ पे मैनुअल पढ़ रहा था, तो मतलब सौरभ भाई ने रिकमेंड किया कि एक बार मैनुअल पढ़ लेना था, यहाँ पर बोइंग 787 के मैनुअल है, मैं A350 सोच रहा था, पर है कमाल का लिटरली, जो फीचर्स दिए हैं, जो स्पेस है, जो सब कुछ है, सारी चीज़ें टोटली वर्थ इट है। एक छोटा सा विंडो है आपको जर्नी एक्सपीरियंस दिखाने के लिए, तो बाकी खाना वगैरह जो भी है सब चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और जितना टाइम लगेगा फ्लाइंग टाइम आप जानते हो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो वो आज देखेंगे कितना लगने वाला है। अगर की बात की जाए तो क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया है, बाकी नेक रेस्ट के लिए जो मिला है ना ये फोल्डेबल है, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, तो ये बेस्ट चीज़ है, ऐसे होना चाहिए बाकी फ्लाइट्स में भी, तो बढ़िया लगा है। बाकी लेग रेस्ट वगैरह जो लेग स्पेस वगैरह वो भी काफ़ी सही है, इकोनॉमी का ही हाल है तो बिज़नेस का क्या हाल होता होगा वो सोचने वाली बात है, लेकिन बढ़िया है जो भी है। सेफ्टी ब्रीफिंग चल रही है यहाँ पे, देखो अलग से क्रू को यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा, जो भी है ब्रीफिंग सारी यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले में हो जाती है। फ्लाइंग टाइम जो है हमारा वो 3 hours 34 minutes का रहने वाला है, और अभी रात के 11:20 हो रहे हैं, तो समझ लो हम लोग रात में 3 बजे के आसपास पहुँच जाएंगे, पता नहीं कैसे टाइम पास करेंगे, चलो देखते हैं क्या होता है। जेट चालू हो गया यहाँ पे, बाहर तो कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट स्पीड देख लो आप यहाँ पे, देखेंगे कितना टाइम लगने वाला है, अभी टाइम देख लो आप लोग, और लैंडिंग में लगभग 3.5 घंटे का समय लगता है। ये रहा आज का अपना पाथ, सो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और यहाँ टेक ऑफ हो चुका है।
सिंगापुर में रात के 2 बज रहे हैं, हमारे यहाँ अभी 11:30 हो रहा है, लगभग 3 घंटे का डिफरेंस है। हॉट टॉवल जो कि बिजनेस क्लास में नॉर्मली दी जाती है, वो सिंगापुर एयरलाइन में आपको यहाँ भी मिल रही है, इकोनॉमी क्लास में भी आपको सर्विसेज मिल रही है। मतलब जो सर्विसेज होनी चाहिए बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए केवल, वो यहाँ इकोनॉमी में भी अवेलेबल है। आपने देखा होगा मेरे साथ कोल्ड टॉवल, हॉट टॉवल, ये सब चीज़ें सर्व की जाती हैं, तो आज यहाँ भी है। यहाँ पे ये भाई एप्पल जूस है, इसे कुछ और मत समझना, है एप्पल जूस ही है। बाकी ये कुछ यहाँ पे मेन्यू सर्व हुआ है, ये वेज का है, यहाँ पे दही बल्ला टाइप का कुछ लग रहा है, केक टाइप का कुछ और कर्ड है साथ में, पापड़ है, पिकल है, अमूल का बटर है, क्रीमर है साथ में, इसमें भी कुछ है पता नहीं क्या है, शायद बंद हो गए ये, देखेंगे। बाकी इसको ओपन करके देखते हैं क्या दिया है इसमें, और यहाँ पे कुछ तो है, ये थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा वेट वाइप भी आपको दिया जाता है। ओके, कटलरीज भी है यहाँ पे। एक बार करीब से मेनू आप देख लो, ये वेज खाना है, यहाँ पे बन वगैरह है, बटर है, साथ में चिप्स वगैरह है आपके लिए, वैरायटी बहुत सारी है, टेस्ट करते हैं देखते हैं कैसा स्वाद है इसका। चने की जो सब्जी है ग्रेवी, वो बहुत टेस्टी है, साथ में पता नहीं पोंगल जैसा कुछ है। प्योर घी में बना है, पूरा घी का फ्लेवर आ रहा है, मस्त एकदम। साथ में आलू है बॉइल्ड। जो मेन चीज़ टेस्ट आ रहा है ना, वो चने की ग्रेवी का एकदम पूरा बूस्ट होकर के आ रहा है, वो स्वाद बहुत अच्छा है। बाकी यहाँ पर मैंने तो एप्पल जूस लिया है, ऑरेंज जूस का भी ऑप्शन था, कोक का भी ऑप्शन था इन फ्लाइट, बाकी ड्रिंक के ऑप्शन भी थे, बियर वगैरह भी थे इसमें अवेलेबल, तो आप ले सकते हो। कभी अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आप कर सकते हो, सभी चीज़ें फ्री हैं आपके लिए, इंक्लूडेड आपके फेयर में। बाकी ये टिक्की टाइप का कुछ लग रहा है, आलू की टिक्की टाइप का, देखते हैं कैसा है। मुझे लगा था दही बल्ला होगा, आलू चाट है वो, ठीक है, मतलब फ्लाइट के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, टेस्ट अच्छा आ रहा, फ्लेवर अच्छा है। इतनी हाइट पर अगर आपको ये सभी सर्विसेज मिल रही है तो और क्या चाहिए, यहाँ पर पैसे भी वैसे ही रखने हैं। एयर इंडिया के डेजर्ट में अभी तक सबसे बेस्ट मानता रहा हूँ, देखते हैं इसकी कैसी है। अच्छी, मतलब एयर इंडिया जैसी ही है, कोई अंतर नहीं है। एयर इंडिया हमेशा बहुत तड़ा डेजर्ट देता है ऑप्शन में, ये भी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल मील से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, फॉरेन के लिए जा रहा हूँ फिर भी अच्छी इंडियन मील आपको सर्व हो रही है यहाँ पर, टू गुड यार। सिंगापुर एयरलाइंस 10/10। एस्टिमेटेड टाइम 3 बजे का ही है, 3:00 हमारी लैंडिंग वहाँ पर होनी चाहिए, तो हम लोगों ने डिसेंट जो है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था।
देख लो भाई यहाँ पे 3 hours 30 minutes में लैंडिंग अपनी हो चुकी है सिंगापुर। देखो अभी चेन्नई में रात के 3 बजे होंगे यानी इंडिया में रात के 3 बजे हैं और यहाँ सिंगापुर में 5:30 हो रहा है और अभी हमारे जो वॉच वगैरह इसमें टाइम अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा नेटवर्क मिलेगा सब कुछ अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ये अपडेट हो गया इसमें हो गया क्या? अच्छा आईफोन अपडेट हो गया मोहित भाई का। और देखो भाई उतरते हैं देखते हैं क्या कंडीशन चल रही है यहाँ पर, इंडिया सिंगापुर दोनों चल रहा है। अच्छा बगल बगल में भाई निकलते निकलते आप देख लो पूरा खाली हो चुका है यहाँ पे और बहुत सारी सीट्स हैं इसमें। आगे बिजनेस क्लास और इधर पूरा अपना इकोनॉमी क्लास था, प्रीमियम इकोनॉमी जिसमें देखने को नहीं मिला। देखो फ्लाइट से तो आ चुके हैं, मैंने तो वेज मील ली थी, मोहित भाई हैं और भाभी इन्होंने नॉन वेज मील ऑप्ट की थी, फिश एंड चिकन शायद ना, कैसा हाँ, था? बहुत बढ़िया था, चिकन बहुत अच्छा लगा और सबसे बढ़िया क्या लगा ना अनलिमिटेड था। वो सोचा होगा 8 घंटे का अगर मेरा होटल है चेक इन लेट भी होगा तो सोने के लिए मूड चाहिए, बना दिया होगा मूड। वरना देखो हम लोग रात 3:30 बजे यहाँ भटक रहे हैं आंखों में नींद लिए। बाकी एयरपोर्ट तो यार बाकी वाकई में बहुत कमाल का है, वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट ऐसे ही नहीं है। चंगी एयरपोर्ट टर्मिनल 2 पे हम लोग आए हैं आज, सुविधाएं देखो ट्रॉली कलेक्शन के लिए भी ऐसा है भाई। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना कमाल का है ना मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे स्काई ट्रेन का भी एक आपके पास ऑप्शन है। देखो कहाँ कहाँ से, तो पहले बात यहाँ से फ्लाइट आ रही है, यहाँ पे स्काई ट्रेन भी है देखो। और इसमें पता है आपको लोको पायलट वगैरह नहीं होता है, ड्राइवर लेस ट्रेन है ये। साथ साथ अभी हम लोग इमिग्रेशन के लिए निकल रहे हैं वो भी आपको दिखाना है, और फ्री बस सर्विस भी चलती है इन्हीं सब 4 टर्मिनल्स के बीच में। यही वो फॉर्म का है ना? हाँ, ये इंडिया से आप पहले करके आना तो इधर तामझाम नहीं करना पड़ेगा। ऊपर से व्यू आप देखो एक बार क्या लग रहा है, फील आ रहा है किसी लग्जरी जगह पे हो आप। कारपेट देखो आप यहाँ का हो रहा है, इमिग्रेशन देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगेगा अपने को। अभी 3:25 हो रहा है, देखते हैं इमिग्रेशन में कितना टाइम लगेगा। अभी बेल्ट नंबर 39 पे अपना लगेज आया है और इमिग्रेशन पता है कितनी देर में ख़त्म हुआ हमारा? मुझे लगता है हार्डली 2 मिनट लगा होगा, मशीन लगा हुआ था पासपोर्ट, जैसे हमने वहाँ पर एंटर किया सारा डिटेल उनके पास ऑलरेडी था, गेट्स ओपन हुए, थंब का स्कैनिंग हुआ, सब निकल गया। और वहाँ पे लेडी थी यहाँ की एक ऑफिसर जो हेल्प करने के लिए थी हम लोग को वहाँ पे, हम लोग पहले बाहर खड़े थे, उन्होंने हमसे पूछा भाई कौन सी कंट्री से हो आप लोग, कहाँ से आए हो? तो हमने बताया इंडिया से। इंडिया जैसे बोलते हैं ना, अरे इंडियंस नो नीड टू शो योर डॉक्यूमेंट्स एवरीथिंग, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट थे, हम उसे निकाल रहे थे फाइल को कि ये सब डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा तुरंत काम हो गया। मतलब मैंने सोचा था कि 1 घंटे लगेंगे, आपको बताऊँगा कि ये प्रोसेस था ये हुआ, कुछ हुआ ही नहीं लिटरली वहाँ पर। वो देखो वहाँ पर क्यू बने हुए हैं, वहीं पर सब लोग एंटर कर रहे हैं, पासपोर्ट दिखाओ, एंट्री करो, थंब स्कैन करो और आप लोग बाहर, और लगे जहाँ से आपको कलेक्ट करना है। आप सिंगापुर आ रहे हो ना तो हमारी तरह देर रात की फ़्लाइट मत लेना ये सोच करके कि सुबह 5 या 6 बजे आप लैंड होगे। इंडिया के हिसाब से समय 2 घंटा यहाँ पे आगे चलता है, यानी 2 आवर्स आगे चलते हो। तो हमें लगा था 5:30 पहुँचेंगे पर रात के 3 बजे पहुँचे हैं, ना कोई होटल का अर्ली चेक इन मिलेगा ना कुछ। तो आप लोग उसी हिसाब से अपनी इटनरी को प्लान करना कि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे आने के बाद। सिंगटल के यहाँ पे सिर्फ $30 में मिलेगा आपको, 100 GB मिल जाएगा 5G, अनलिमिटेड कॉल्स लोकल में और इंटरनेशनल 90 मिनट्स। ये देख लो ये 28 डेज़ के लिए वैलिड है। कि ये है सिंगापुर की करेंसी, आपको दिखा दूँ मैं, यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे मिलेगा आपको, रेट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे क्या रेट चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं मिला मोहित भाई, क्यों? ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं तो एक्चुअली बात ये है ना कि हम तीनों को चाहिए सिम, अलग अलग सिम ले रहे हैं और पेमेंट भी हम लोगों ने, मैं तो डॉलर और सिंगापुर डॉलर एक्चुअली लेके आया था बैंगलोर से, लेकिन मैंने यहाँ पे $100 एक और करवाया तो उसमें मेरे को 130 समथिंग यहाँ पे सिंगापुर के डॉलर मिले। $100 जब मैंने US के दिए तो 130 समथिंग सिंगापुर के डॉलर मिले, जिसमें से मैंने यहाँ पे इसका एक $30 का सिम भी ले लिया। आप देखते हैं उसका नेटवर्क वगैरह कैसा रहने वाला है। बाकी सर्विसेज यहीं पे मिल जाती हैं जस्ट एग्जिट पे ही, तो आपको ये सभी दिक्कत यहाँ पे नहीं होंगी। करेंसी एक्सचेंज है, सिम वगैरह सारे पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मोहित भाई भी अभी कुछ करवा रहे हैं,
देखते हैं बाद में हम लोग सिम वगैरह भी कंपेयर करने वाले हैं आगे चल के कौन सा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोग सिंगापुर आ रहे हो तो इन ऐप्स का आप यूज़ कर सकते हो, इन्हें डाउनलोड कर लो, जैसे ओला उबर होता है ना अपना, वैसे ये भी आपके काम आएंगे। या तो नाम यहाँ से आप देख लो, पहले से डाउनलोड करके आना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जो सिम है ना ये अपने को पड़ा है $30 का, लगभग समझ लो आप 1850 के आसपास पड़ा होगा ना मोहित भाई, है ये सिम 1850 के आसपास ना इंडियन करेंसी के हिसाब से 1800 रुपये इंडियन करेंसी। देखो 28 दिन के लिए हमें इतना पे करना पड़ा, इंडिया में तो यार बहुत सस्ता है इंटरनेट, बहुत सस्ता। थैंक यू जियो रेवोल्यूशन लाने के लिए यहाँ पे। अब देखो क्या करना पड़ रहा है। ओवरऑल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था मेरा बैंगलोर से चलकर चेन्नई और चेन्नई से सिंगापुर तक का। फ़्लाइट की बात करूँ ना तो एक सपना था कि बैठना था इसमें सिंगापुर एयरलाइन में, वो पूरा हुआ। इकोनॉमी क्लास में भी बिज़नेस वाली पूरी वाइब मिल रही थी, हाँ स्पेस वगैरह थोड़ा सा कम पड़ रहा था बिज़नेस वाला, लेकिन हाँ आप लोगों ने देखा ना कैसे यहाँ पे हॉट ऑल वगैरह सर्व हुआ, बाद में खाना पीना भी अच्छे स्टैंडर्ड का अच्छे टेस्ट का सर्व हुआ, और ड्रिंक्स वगैरह भी अनलिमिटेड थी, जिसको जो पीना है सब पी रहे थे, इन्जॉय करते हुए अपने सफ़र को पूरा किया हम लोगों ने। बहुत ही कम्फर्टेबल एक्सपीरियंस था, कैसे इंडिया का इमिग्रेशन हम लोगों ने पार किया और कैसे यहाँ पे इमिग्रेशन होता है ये सभी चीज़ें आपने देखी। सिम वगैरह आपको कहाँ से लेना है, करेंसी एक्सचेंज भी आप यहाँ पे आके कर सकते हो। मैं इंडिया से थोड़े बहुत $ एंड सिंगापुर डॉलर लेकर आया था, पर यहाँ पे मैंने $ को कन्वर्ट करवाया, तो जो रेट मुझे मिला वो भी आपने देखा। आप इंडिया से जो अपने करेंसी लेकर आते हो उससे भी यहाँ पे काम कर सकते हो। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ तक रहने वाला है। इस वीडियो में इतना ही था, नए वीडियो में नई कहानी होगी। वर्ल्ड का सबसे सुंदर एयरपोर्ट है चंगी एयरपोर्ट, अब उसे एक्सप्लोर करने निकलने वाले हैं। इसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी रात के 3-4 बज रहे हैं, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं फिर निकलते हैं। तब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।